हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2N। आज हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास नाइन्थ के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखेंगे बहुपद, ओके, पॉलीनोमियल्स। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे जो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो है आपके क्या सर्वसमीकरण यानी आइडेंटिटीज। एक्स यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटीज। जैसे आपकी हो गई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इत्यादि इत्यादि सारी समीकरण पहले तो आपको याद होनी चाहिए। ओके, मैंने करा रखा है और अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसे जाकर देखिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आए हुए सवाल को। ओके, तो सबसे पहले जो सवाल है, और मैं इससे पहले ये बात करना चाहूँगा आपसे कि आप सबसे पहले उन सब समीकरण को कीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। और जो सबसे ज़्यादा है वो है जीरो फाइंड कैसे करते हैं। ओके, इन सब चीज़ को अपनी पहले पक्की कर लीजिए आप। ओके, तो सबसे पहले सवाल है आपके पास, यदि x माइनस ए बहुपद इसका एक गुणनखंड हो तो एक का मान ज्ञात करें। ठीक है, अगर ये हुआ तो दो या तीन नंबर में आएगा क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या है, हमें क्या दे रखा है, बहुपद मान लीजिए पी एक्स हमको दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस, तो इधर एक्स के नहीं होगा, इधर एक्स के प्लस एक्स प्लस टू। ओके, हमसे आगे क्या बात की गई है, हमें कहा गया है कि तो यहाँ से यहाँ पे एक स्केरी लीजिए अपने। ओके, इसको स्केरी रखिए। सबसे पहले क्या है, पी ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। ओके, तो एक्स की जगह यहाँ यहाँ एक्स वहाँ ए ए डालिए, ठीक है, यहाँ पर ए इक्वल टू जीरो। ओके, ए तो अपन क्या ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस प्लस इक्वल टू जीरो, ए क्यूब से ए क्यूब गया, आगे हम पे क्या बचा है, ए इक्वल टू माइनस। ओके, समझ आया, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के अंदर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपके पास ये गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको जीरो निकालना और भागफल परे में सब आना चाहिए। ओके, और ये सवाल आया तो आपके 4 मार्क्स में आएगा। ओके, तो इसको कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले हमें देखना है, हमको दे रखा है क्या है, पी एक्स, ओके ओके, क्या दे रखा है हमको, एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस सिक्स। ओके, हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमको ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिस पर ये पूरा जीरो हो जाए, पी एक्स जीरो हो जाए, बताओ कौन सा नंबर उसका है। तो सबसे पहले हम 1 गेर के देखेंगे, एक्स का 1 डाला तो 1 का क्यूब प्लस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11, 1 प्लस 6, देखिए यहाँ पे होगा नहीं, सही प्लस में है। ओके, यानी 1 से तो नहीं होगा, इधर माइनस 1 के देखते हैं। ओके, डालो माइनस
3 का क्यूब प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर ओके प्लस 11 माइनस 1 ओके प्लस 6 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ओके माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 लेकिन माइनस 6 प्लस 6 प्लस 1 तो प्लस 6 ठीक है और यहाँ माइनस 11 और ये प्लस 6 ओके अब देखो प्लस 6 प्लस 6 12 माइनस 12 ये गया 0 किस पर 0 हुआ माइनस 1 पे यानी माइनस 1 पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा 0 ओके यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 x प्लस 1 ठीक है इसका एक फैक्टर है ठीक है और आगे देखिए क्या करेंगे हम अब इसको डिवाइड देंगे भागफल परिमेय सबको आती होगी आए हो प्लस 11 एक्स प्लस 6 ओके इसको डिवाइड देंगे एक्स प्लस 1 ओके तो देखिए सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जिसे एक्स क्यूब पूरा का पूरा कट जाए ओके फर्स्ट वाला पूरा पूरा कटे तो देखिए सबसे पहले क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर ठीक है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है इधर रखना पड़ता है कि हमको जब इससे मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट वाला बने और वो पूरा का पूरा कट जाए ठीक है तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स क्यूब ठीक है और वन से करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है अब माइनस करेंगे इसको ठीक है इस वाली को सुकस वाली में माइनस करेंगे तो माइनस करने में सब जानते हैं साइन चेंज हो जाते हैं इधर माइनस ओके ये पूरा कट गया ओके ठीक है तो यहाँ पे स्क्वायर ओके तो देखिए क्या आया यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5x स्क्वायर ओके 5x स्क्वायर और यहाँ प्लस 11x प्लस 6 ठीक है आप देखिए फर्स्ट वाले जब हमें काटना है ठीक है तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई 5x ठीक है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5x स्क्वायर बन जाएगा ठीक है 5x स्क्वायर बन गया जो इधर इधर 5x ओके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस माइनस गया पूरा यहाँ पे 6x प्लस 6 ओके अब किससे मल्टीप्लाई करें अब करेंगे प्लस 6 से ठीक है मल्टीप्लाई कीजिए हम पे बचेगा सिक्स एक्स ओके सिक्स एक्स और प्लस का 6 माइनस माइनस पूरा कट गया रिमाइंडर 0 ठीक है इधर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है इधर भी रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी ठीक है हमारा ठीक है एंड हम पे क्या बचे इसकी ठीक है अब इसके हमें फैक्टर करने हैं ठीक है भाग जो भागफल जो आया है हमको उसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ठीक है आई होप आपको सबको आता होगा सब फैक्टर करने हो क्या तो जिस चीज को नहीं आते वो देख लीजिए इसके फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट वाले को इस लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है जो इसका कोफिशियंट है क्या आएगा इधर ठीक है 1x स्क्वायर इंटू 6 तो कितना बन गया 6x स्क्वायर अब 6x स्क्वायर को हम ऐसे दो नंबर में तोड़ रहे हैं कि उनको जब हम प्लस करें तो 5x आए यानी बीच वाला ठीक है यानी माइनस करें या प्लस करें जो करें लेकिन बीच वाला बनना चाहिए और जिन दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला मिलना चाहिए नहीं 6x स्क्वायर बनना चाहिए तो बताइए ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं सोचिए तो देखिए यहाँ 2x और 3x को ले लीजिए इन दोनों को प्लस कीजिए कितना बनेगा हम पे 5x ओके मल्टीप्लाई कीजिए 6x स्क्वायर ठीक है ये बन गया हमारे फैक्टर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 ओके
ओके दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या आ गया इधर, एक्स कॉमन आ गया यहाँ पर और एक्स प्लस टू, ठीक है, यहाँ पर कॉमन लीजिए, थ्री कॉमन आ गया यहाँ पर एक्स प्लस टू, ठीक है, और सब में से कॉमन एक्स प्लस टू आया, ओके, तो यहाँ एक्स प्लस थ्री, ठीक है। और पहले हमने जो एक फैक्टर निकाल रखा था वो क्या था, एक्स प्लस वन, ठीक है, तो क्या फैक्टर है इसके, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ आएगा। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास, ये ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है, एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, इसको सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पोस्ट कीजिए, फिर आप उसको खुद ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको दे रखा है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन, ठीक है, सबसे पहले एक एक्स प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे। ओके अब देखिए ये क्या बन गया, एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस वन एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ओके ओके। तो आगे देखिए क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा ये, इसको क्या लिख सकते हम, एक्स पावर टू की पावर टू प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस स्क्वायर वन की पावर टू, ठीक है, माइनस एक्स की पावर टू, ठीक है, ठीक है, बन गया हमारे पास। आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, एक्स प्लस वन का होल स्केयर बन गया ये, ओके, मैं कौन सी लग रही है, ए प्लस बी की होल स्केयर की आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है, और साथ में क्या बचा, माइनस एक्स स्केयर, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी कि ए प्लस बी, ओके, और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ओके। तो लिखिए यहाँ पे क्या बन गया हम पे, एक्स प्लस वन, ठीक है, और माइनस एक्स, ठीक है, और एक्स प्लस वन प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर हमने ये मान रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वन प्लस ए माइनस हो गया, एक बार प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो ये हो गए इसके फैक्टर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो बोल रहा है यदि एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फाइव हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिटी लगेगी इसमें, सबसे पहले खुद ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। ओके कर लिया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, फाइव, ओके। अब क्या करेंगे दोनों तरफ इसको क्यूब कर देंगे, ठीक है, क्यूब करेंगे क्या मिलेगा हमको, प्लस वन बाय एक्स का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव, ओके। तो इसका क्यूब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री, ठीक है, एक्स इंटू वन बाय एक्स, ठीक है, और एक्स प्लस वन बाय एक्स,
ठीक है, इक्वल टू 125। ओके ये तो पूरा गया, ठीक है। किसकी वैल्यू करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ओके तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, हम पे 5 + 5 रख देंगे यानी इधर 15 आएगा, इक्वल टू 125। ओके तो हम पे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू जब 15 चले जाएगा इसमें से, सो 10। ओके तो आई होप आपको ये समझ आया होगा इसको पूरा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, तो सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ओके चलिए आप इसका सोल्यूशन देखते हैं। 2x + 3y = 13, ठीक है। ओके एक्स इंटू वाई कितना है, 6। ओके ओके हाँ तो क्या निकालना है हमको, 8x³ + 27y³ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसको क्यूब कर दीजिए, x + 3y³ क्या होता है, 8x³ + 27y³ इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, हम पे मिलेगा 6xy एंड हमको क्या मिलेगा, 2x + 3y, ठीक है। ओके तो आगे देखिए हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, क्या 13 होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू में जब क्यूब करेंगे तो हम पहला 21 97 लगभग इसकी वो होती है, क्यूब होता है 13 का। ओके तो 8³ + 27y³, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी देते हैं, 6 तो 36, ठीक है। उधर वैल्यू कितनी थी हम पे इसकी, 13। ओके 2 13। ओके और जब आगे सॉल्व करेंगे इसको हम पाएंगे। ओके तो आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो 21 97 8³ + 27y³ ओके प्लस 46 8। ओके अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें, एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने हमारे चैनल मिशन टू लिटरेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।